नेता जोश में जब होते हैं तो बोलते बोलते कुछ भी बोल जाते हैं। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव भी समाज शास्त्र का पाठ पढ़ाने लगे तो ऐसा बोल गए कि विवाद खड़ा हो गया। वो सवाल खड़े कर रहे थे ब्रह्मचर्य पर, तो बोलते बोलते अब शब्दों का इस्तेमाल कर बैठे। खप पंचायतों के तालिबानी फैसलों को लेकर भी शरद यादव समर्थक के तौर पर खड़े दिखाई दिए। बाकायदा इसके लिए तर्क भी दिए, और तर्क भी ऐसे कि सुनकर मन में सवाल उठ जाए कि जब हमारे नेता ही ऐसी सोच रखते हैं तो फिर लोग कैसे इंसाफ के बारे में सोचते हैं। हमारे आंदोलन भी सबसे तो शरद यादव के मुताबिक ब्रह्मचर्य नहीं होता है। शरद यादव के बोल पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। खप के तालिबानी फैसलों का भी उन्होंने यहां पर जिक्र किया, और ब्रह्मचर्य के विरोध में अब शब्दों का इस्तेमाल यहां पर शरद यादव कर गए। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव के इस बयान पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्रह्मचर्य के विरोध में जिस तरह से उन्होंने अब शब्दों का इस्तेमाल किया, वाकई हैरान कर देने वाला था। शरद यादव के मुताबिक ब्रह्मचर्य नहीं होता है, और इस तरह का कोई शब्द शरद यादव की डिक्शनरी में फिलहाल मौजूद नहीं है। और ये कुछ लोग बैठ गए हैं, वो ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं। एक आदमी ने यह चर्चा नहीं की कि हिंदुस्तान में 3 साल की बच्ची से, 6 साल की बच्ची से दुनिया में कहां बलात्कार होता है। यानी आपने जो स्वाभाविक चीज जैसे पानी पीना है, सांस लेना है, खाना खाना है, उसी तरह 15-20 दिन में नौजवान को चाहिए। अब यह बात सच्ची नहीं मान लो तैयार है देश, पाखंड करता ब्रह्मचारी। अरे झूठी बात बोल रहा, कोई झूठी बात बोलते हैं, कोई हम दुनिया से बाहर आए क्या? हम सब लोग इसी समाज के हैं, दुनिया भर का पाखंड करते। और ये जितने साधु हैं, जितने ये हैं, ये कोई तमाशा है? ये क्या कर रहे हैं? और झूठी बात कह रहे हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी की झूठी बात कोई दुनिया में हो सकती है? कभी हो सकती है? और कह रहे हैं ये खाप पंचायत बड़ी बेकार। अरे वो आदमी जैसे मान लो अपने घर की लड़की चली जाए, उसकी जान चली नहीं, समाज में मर गया वो तो।